वर्ष 1984 की मैं यदि बात करूं तो मौसम था गर्मियों का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुशाभाऊ ठाकरे जब बारा प्रवास पर थे तो कुछ कार्यकर्ताओं से मिले और उस समय कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि ऐसा कार्यकर्ता हाथ खड़ा करे जो बिना किसी उम्मीद के कि उनको टिकट मिलेगा और पार्टी के लिए काम करे। उस समय एक हाथ खड़ा हुआ था, वह नाम था मदन दिलावर। मदन दिलावर आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई राजस्थान प्रेस क्लब से, उन्होंने बात की तो उन्होंने हमसे क्या बातचीत की, आइए हम सुनते हैं। प्रयोजन इतना सा है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रही है इसकी जानकारी यहाँ के जो मारवाड़ी हैं उनको देना, ताकि जो न्यूनताएं हों उनसे मिलकर के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय हैं उनको पूरी कर सकें। और इसलिए हमने सुबह यहाँ के कुछ उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की थी, उनके सामने हमने सारा शिक्षा का खाका रखा है और राजस्थान सरकार ने क्या इनोवेशन किया है उन पर भी उनसे चर्चा की है और आगे क्या करने जा रही है ये भी उन्होंने बताया है। और अपेक्षा ये की गई है कि जो हमारी न्यूनताइन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें आप सहयोगी बने, और इस पर्पज से ही यहाँ मैं आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसा कहा लोगों ने भी कि पहली बार आप आए हैं यहाँ जो आकर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्री के नाते, और शिक्षा विभाग का सारा जो आपने किया है या करने जा रहे हैं उसका आपने काका हमारे सामने खींचा है, ऐसा सबने बताया। क्योंकि जो राजस्थान के लोग हैं उनका अपना मातृभूमि से बहुत बड़ा लगाव है और ज़्यादा अच्छा संबंध इसलिए भी है क्योंकि आप ये छत्रपति शिवाजी की धरती है और महाराणा प्रताप की धरती से हम यहाँ आए हैं, दोनों में गहरा संबंध है। इतना ही प्रयोजन हमारा था, उसके अलावा ज़्यादा प्रयोजन हमारा था नहीं। सर, राजस्थान सरकार आपके मंत्री बनने के बाद में या भजन लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में क्या ऐसा कुछ करने जा रही है जो कोई नयापन है या कोई क्या फेरबदल है पिछली शिक्षा प्रणाली से? देखो, सुधार की निरंतर आवश्यकताएं रहती है। मैं ये नहीं कहता कि पहले के शिक्षा मंत्रियों ने कम किया, ज़्यादा किया या नहीं किया, लेकिन किसी भी काम में सुधार की निरंतर आवश्यकता रहती है। सब पहले भी ये किया है इसलिए इस स्टेज तक आ जाए हैं, लेकिन और भी सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि उच्च गुणवत्ता की हम शिक्षा दें और शिक्षा में संस्कारों का समावेश करें, क्योंकि संस्कार युक्त शिक्षा बहुत अच्छी होती है। और केवल शिक्षा है पर संस्कार नहीं है तो शिक्षा का नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं, इसलिए कई नवाचार हमने किए हैं। जैसे पहले विद्यालयों में मेरे आने के पहले अध्यापक कक्षा में भी मोबाइल लेकर के जाते थे और उसके कारण से पढ़ाते पढ़ाते ही घंटी बजती थी तो बच्चों का ध्यान भी डाइवर्ट होता था और पढ़ाने में जो एकाग्रता है अध्यापक की वो भी भंग होती थी। और इसके कारण से मैं समझता हूँ कि बच्चों का अनावश्यक समय जाया होता था, उसमें कमी आई है और उसका जो समय बेकार जाता है उसका सदुपयोग होने लगा है, ये हमने कोशिश की है। दूसरा, हमने सारे बच्चे स्वस्थ रहें और इसलिए हमने सब बच्चों का परीक्षण करवा रहे हैं और वो भी हमने डिजिटल करवाया है। लगभग सभी बच्चों का उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो गया है। जिन बच्चों को हम प्राइमरी चिकित्सा करा करके उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते वो किया है। किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी तो उनका इलाज कराते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, एडमिट कराना पड़ेगा, तो उनको भी हम एडमिट कराकर ऑपरेशन कराकर और उनकी जो
कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं। ये हमारे लिए और सबके लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उसका पढ़ने मन भी लगेगा, और पढ़ने मन लगेगा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि कई गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते। ये सच है कि सब कुछ निःशुल्क है हमारे यहाँ चिकित्सा में, उसके बावजूद भी गांव का व्यक्ति अपने बच्चों को शहर में ले जाकर इलाज कराएगा। सब फ्री होने के बाद भी बहुत खर्चा होता है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, तो उसका उसके हैसियत से ज़्यादा खर्चा होता है। तो हमने कोशिश की है कि चाहे गरीब हो अमीर हो, सब बच्चे जो ऐसे हैं उनका हम हमारी देख रेख में स्वास्थ्य परीक्षण करा कर उनका इलाज कराएंगे। उसको लगभग हमने जो सर्वे करना था वो काम पूरा हो गया है, अब दूसरा स्टेज अब चलने वाला है। बात हो रहा है कि पहले जो निःशुल्क पुस्तकें देते सरकार पहुंचती थी, कभी सितंबर में पहुँच रही है, कभी अक्टूबर में पहुँच रही है, कभी नवंबर में, दिसंबर, कभी जनवरी, फरवरी, जब शैक्षिक सत्र समाप्त होने वाला होता है लगभग, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने माने भजन लाल जी के नेतृत्व में पहली बार अब तक के इतिहास में, जब से निःशुल्क पुस्तकें बंटने लगी तब तक के इतिहास में, 5 जुलाई को हमने बच्चों के हाथों में पुस्तकें सौंप दी है। 3,58,00,000 पुस्तकें लगभग हमने 70 लाख बच्चों के हाथों में सौंप दिए, और उसके कारण से बच्चे जो पहले भटकते रहते थे कि पुस्तक नहीं आई क्या पढ़ें, पुस्तक नहीं मिली क्या पढ़ें, हम निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने 7 लाख जो साइकिल्स हैं बच्चों को, जो बच्चों को विशेषकर है, उनको हमने समय पर उपलब्ध करवा दी है, जो 2 साल से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी उनको हमने उपलब्ध करवा दी। सत्रांक का पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है कि टीचर उनका व्यवहार का, उनका काम, बच्चों काम का स्वयं मूल्यांकन करके, और 20 नंबर उनके हाथ में होते थे कि 20 में से वो कितना नंबर दे सकते हैं। तो सामान्यतः कोई भी अध्यापक मेरा मानना जहाँ तक 15 से कम नहीं देता है, और 20 में से 20 अधिकांश देते हैं। जब 20 में से 20 नंबर दे देते हैं तो शेष नंबर बचते हैं 80। 80 में से वो 13 नंबर लाता है तो बच्चा पास माना जाता है, पास हो जाता है। पर मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो केवल एक भी कोई अक्षर भर दे, ए बी सी डी होता है उसमें, ए बी सी डी में कोई भी एक भर दे, तो 13 नंबर तो बिना पढ़े भी ला सकता है। तो इसका अर्थ ये लगाया मैंने कि शायद जिसको 13 ही नंबर आए हैं उस बच्चे को पढ़ाया नहीं गया। हमने कोशिश ये की है कि तुम 20 में से कितने भी नंबर दो, लेकिन आपको 80 में से 40 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 50% नंबर लाने पड़ेंगे, और ये आप नहीं लाए तो बच्चा तो जैसे सरकार के रूल से में पास हो जाएगा, लेकिन अध्यापक फेल हो जाएगा। उस अध्यापक से हम पूछताछ करेंगे, उसका अच्छा बुरा जो भी करना होगा करेंगे। तो इस प्रकार का अध्यापक के लिए हमने ये रखा है कि आप पढ़ाओ, और इसके कारण से अब पढ़ाने में ज़्यादा रुचि बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। और उसके रिजल्ट हमारे जो अभी हमारे बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे भेजते सब, उसमें हमारी कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने राजस्थान टॉप किया, जो सरकारी विद्यालय पढ़ रही थी, बहुत गरीब बच्ची है लेकिन उसने सरकारी विद्यालय में पढ़ करके बहुत टॉप किया है। सारे जितने भी भव्य और दिव्य जितने भी विद्यालय भवन थे उनके अच्छी पढ़ाई करते थे लोग, तो 1-1 लाख रुपये फीस लेते हैं, वो भी पीछे रह गए। तो ये कह सकता हूँ कि ये करने से हमारे पढ़ाई में और सुधार होगा, उसका अच्छा परिणाम रहने वाला है। हजारों ऐसे शिक्षक है जो तबादलों के इंतजार। दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान में हजारों बेरोजगार युवक है, और आपके शिक्षा विभाग में कई ऐसे रिक्त पद है, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो ये सच है, आपने कहा है कि मेरे यहाँ 1,25,000 पद खाली है, इसमें कोई बात नहीं, पद खाली है 1,25,000, लेकिन उसके कई कारण हैं। एक तो कांग्रेस ने बिना सोचे समझे बुद्धि लगाए अनेक स्कूलों को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, और सीधा कहा कि अब ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से चलेगा। तो जो 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो हिंदी माध्यम पढ़ रहा था, 8वीं में एकदम अंग्रेजी माध्यम में कैसे पढ़ेगा? और इसको हमारा नुकसान ये हुआ,
जो बच्चियाँ बच्चों के स्कूल थी छात्राओं के, उसमें अधिकांश बच्चियों ने या तो स्कूल बदल लिया या पढ़ाई छोड़ दी। गांव में दूसरा अल्टरनेट उनके पास था नहीं, जैसे उन्होंने एक स्कूल का अंग्रेज कर दिया। अब 10 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं राजस्थान में कि बच्चियों को दूर पैदल या दूर बिना अभिभावकों के माँ बाप के नहीं भेजते हैं, तो या तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो हमारे लाखों बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया है। दूसरी बात, एक स्कूल के दो स्कूल हो गए, क्योंकि ये तो अंग्रेजी स्कूल कर दिया हिंदी, अब वो दूसरा कहाँ जाए, या फिर वही स्थान पर दूसरा, क्योंकि एक मिडिल स्कूल था, एक सेकेंडरी स्कूल था, ऐसे भी होते कई जगह, तो उसमें भी पद खाली रह गए। कुछ खाली है, ही नहीं। उन सबको भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, और अभी तक हम लगभग 25,000 लोगों को शिक्षा विभाग में दे चुके हैं लगभग, और आने वाले 3 सालों में एक भी पद शिक्षा विभाग में खाली नहीं रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको इशारा कर दिया कि अब तैयारी करो, और अब हम गणना इस प्रकार से भी करने लग गए हैं कि जैसे साल भर बाद रिटायर्ड होने वाला है कोई, अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि भर्ती करें, क्योंकि वो रिटायर्ड होगा जहाँ तक भर्ती हो जाए। तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि हम ऐसे पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि वो रिटायर्ड हो, उसके साथ साथ ही उसकी भर्ती भी हो जाए। पहले ऐसा होता था कि वो रिटायर्ड होगा तब विचार करते थे हम भरने की, तब खाली हुआ है, पर हमने पहले से तैयारी से करके रखी है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। 4 साल में दूसरी भर्तियाँ होती, जैसे 3,75,000 का आपका टारगेट, हमने अपने कहा, मैंने कहा प्रक्रिया चालू कर दी है, 30,000 हमने भर्ती कर ली है। कांग्रेस ने जो बुरे काम किए थे उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, कई सारे कोर्ट केसेज हो रहे हैं, कई पेपर आउट हुए थे, उससे भी हमारे लोग बर्बाद हुए, और कांग्रेस के नेताओं ने उस समय के अधिकारियों ने काफ़ी भ्रष्टाचार किया, और लगभग ऐसा मेरा मानना है 100 के आसपास अभी जेलों में है। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री के दर्जा प्राप्त थे वो भी जेलों में गए और अभी लगातार जा रहे हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और वो कहते हैं जो करते हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सर, एक बार बात भी निकली कि डोडासरा साहब के परिवार रिश्तेदारों को भी अरेस्ट और ये बने, तो उनके बारे में कोई जांच चल रही है सर कि इन्होंने किस तरह से एग्जाम या नियमों की? जांच बढ़ रही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी मछली हो चाहे मगरमच्छ हो, कोई छूटेगा नहीं, कोई नहीं छूटेगा। हमारा जो एसओजी है बहुत अच्छा काम कर रहा है और उस पर लगे हुए हैं एसओजी और एसआईटी। सर, प्राइवेट स्कूल का जो एक सिस्टम बना हुआ है 25 छात्रों को फ्री पढ़ाने का, तो उसमें आप बढ़ोतरी करेंगे? देखो, प्राइवेट स्कूल कोई फ्री नहीं पढ़ा रहा है, और यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति ना, कई विद्यालय तो हमारे सहयोग से चल रहे प्राइवेट, यदि शायद हम न हो तो कई विद्यालय बंद हो जाए। पर जो अभी आपने जैसे शिक्षा में जो नवाचार की बात कही, हाँ, तो वो केवल सरकारी स्कूलों के स्तर पर है या समग्र स्कूल हैं जितने भी निजी विद्यालय हैं उनके स्तर पर भी लागू है? कुछ हमारे नवाचार जो उन पर भी लागू है, कुछ हमारे लिए ही है। सर, आपने कांग्रेस की बात की सरकार की, से पूर्व वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल के अंदर पहली बार संशोधन करते हुए एक बिल लाया गया था जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई। आज उन ओपन यूनिवर्सिटीज खुले विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, कैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान को शिक्षा का हब बनकर देखना चाहते हैं, और उनके लिए राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने किस तरीके की? देखो, आप ओपन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, और उसके पहले स्टेट ओपन स्कूल भी हमारे है ना, जो यूनिवर्सिटीज की आप बात कर रहे हैं उसमें एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हमने अभी उनसे एसटीसी या बीएड की परीक्षाएं करवाई थी, उनके माध्यम से करवाई थी, तो जो परंपरा थी अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषाओं पेपर छपते थे, हमने नवाचार ये किया कि सब बच्चों से पूछा ऑनलाइन कि आप किस भाषा में लेना चाहते हो, 97% बच्चों ने यह कहा कि हमें हिंदी में चाहिए, तो हमने सबको हिंदी में पेपर दिया, और 3% बच्चों को जिन्होंने अंग्रेजी मांगा था उनको दोनों में दे दिया। और इस प्रकार से हमने लगभग राजस्थान सरकार का लगभग अंदाजा करूँ तो लगभग 35-40 लाख रुपये बचाया है, और हमेशा नवाचार करते रहते हैं। उनको जरूरत ही नहीं थी दोनों भाषाओं की देने की, क्यों नहीं।
हमारा पेपर भी बचा, प्रिंटिंग का खर्चा ही बचा। और जो जहाँ तक आप स्टेट ओपन स्कूल की बात कर रहे हैं करें तो उसमें हमने सब ओपन रखा, उसको केवल परीक्षा देने आना है, सब ऑनलाइन कर दिया हमने। सरकार ने समाज का योगदान देखा है, बहुत सारे विद्यालय की ऐसी इमारतें हैं जो भामाशाहों ने बनाई है, लेकिन उन इमारतों के मेंटेनेंस के नाम पर सरकार कम अनुदान देती है, जिससे कई ऐसे विद्यालय हैं वो अभी जर्जर रोने के कगार पर है। इस बारे में आपकी सरकार क्या कह रही है? देखो, अभी भी हमने ये निर्देश दिए कि जो जो जर्जर इमारतें हैं, भवन हैं, उन सब का सर्वे करके और सब का हम तकमीना बना रहे हैं, एस्टिमेट बना रहे हैं, उनको लेकर हम सबको ठीक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर्स हो गए तो सबको आप ठीक करें। मैं ये तो नहीं कह सकता, ना आप कह सकते कि आज ही जर्जर हुई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रहा है। कांग्रेस ने शिक्षा की चिंता की नहीं, एजुकेशन का भट्टा बिठाने का काम किया। कांग्रेस चाहती नहीं है कि वो मानते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा पूरे देश में राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बनाया कि ये तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। और उसका सच है कि हमारे यहाँ या पूरे देश में जो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं समझ पाए और उसका नुकसान हमको हुआ है, आपने देखा होगा ये हुआ है। तो हम सबको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निजी स्कूल, मतलब सरकार का सारी सरकारी स्कूलों पर तो पूरा फोकस है, निजी स्कूलों को लेकर हम लोग, हमारे राजस्थान के अखबार वाले बहुत सारी खबरें छापते हैं कि निजी स्कूलें लूट कर रही है, पैसा ले रही है। बिल्कुल आप ठीक करें, मैं आपको बताऊं संज्ञान क्या है। देखो, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, शहरों में रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं उसमें 97.3% ऐसे विद्यालय हैं जो 15,000 रुपये साल से कम का शुल्क लेते हैं। 97.3 निजी विद्यालय में। राजस्थान में कुल कितने निजी विद्यालय हैं? 36,500 हैं टोटल। ये गांव में भी हैं तो शहर में भी हैं तो दूर दराज में भी हैं। तो कुछ विद्यालयों को तो मैं कह सकता हूँ कि उनके परिवार का ठीक तरह से पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वो शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, 2.3% ऐसे लोग हैं जो इससे ज़्यादा लेते हैं, और 1% ही ऐसे लोग होंगे जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम उन पर भी, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे राजस्थान के जो बच्चों की हैसियत से आप लें। लेकिन मैंने ये देखने में आया जो लोगों की मानसिकता क्या बन गई है, ये स्टेटस सिंबल हो गया, जितने बड़े स्कूलें पढ़ेंगे हमको अच्छा माना जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा ट्रेंड शिक्षक राजस्थान सरकार में है, सब प्रकार से हम निःशुल्क देते हैं। लेकिन गरीब लोग भी पड़ोसी को देख करके कोशिश करता है कि मैं प्राइवेट में पढ़ूँ। प्राइवेट में पढ़ना बुरा नहीं मानते हैं, कोई प्राइवेट विद्यालय सारे लूट रहे हैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ। कुछ 1% में भी कोई 0.5% होंगे जो अपवाद हो सकते हैं, पर उनसे भी हमने कोई उनके ऊपर बंदूक चला कर क्या या दबाव बना कर नहीं कर रहे, समझाइश करके कोशिश कर रहे हैं कि वह भी हमारे राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रहें। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है जितना बड़ा फीस लेते हैं उस पर ज़्यादा सिफारिश आते हैं, उनसे भी कहते हैं साहब उस स्कूल में हमारा एडमिशन करा दो। मैंने क्यों नहीं, आप तो मैंने पैसे ज़्यादा लगे, वहाँ लगने दो ना, पैसे तो हम देने वाले हैं। तो अब उनके लिए तो हम क्या, हमारे यहाँ NCERT की पुस्तकें ही लागू है और कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्य पुस्तकें हम बनाते हैं, उसके ऊपर की सारी NCERT की पुस्तकें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने शब्दकोश बनाया है कि जो लोकल भाषा उसमें भी रखे, तो हमने काफ़ी शब्दकोश भाषाओं में शब्दकोश बना लिया है। अब राजस्थानी की बात कर रहे थे उस समय में, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि आप सब राजस्थान में रुके रहने वाले तो आप सब जानते हैं कि हाड़ौती में अलग प्रकार की बोली है, मेवाड़ में अलग प्रकार की बोली है, शेखावाटी में अलग प्रकार की बोली है। हमने सबका शब्दकोश तो बना लिया, अलग 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 काफ़ी कुछ बना लिया है। लेकिन जब राजस्थानी की बात आती है तो कई बार इधर के लोग कहते हैं ये तो हम तो जानते ही नहीं, ये हम जानते ही नहीं। वो इनको ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, सब भाषाओं का एक सार करके फिर उसको राजस्थानी भाषा में लागू किया जाए। मैं राजस्थानी भाषा के पक्ष में हूँ, तो दो रही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
उनको हम सब लोगों को मिलकर के बैठ करके और तक में कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री जी ने बॉम्बे में आके जो यहाँ के भामाशाह हैं उनको उस चीज़ के लिए वो उनको वो एक्टिव कर रहे हैं कि जब आपकी मातृभूमि राजस्थान है तो शिक्षा के क्षेत्र में आप भामाशाह आगे बढ़ो, ताकि राजस्थान में जो आज जो लास्ट 5-10 सालों में जो शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है वो ग्राफ और आगे बढ़े। जैसे अभी आपने क्वेश्चन रेज किया था कि बहुत सी इमारतें जर्जर है, तो मंत्री जी का ये है कि आप उसको गोद ले लो, उसमें आपके जो भी नाम लगाना है नाम लगाओ उसको, और उस चीज़ में क्या कदम आगे बढ़ो। मैं ये समझता हूँ कि सरकार के साथ जब तक अपने जो भी राजस्थान के प्रवासी है ये वहाँ के वो जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक विजन क्लियर नहीं होगा, इसके लिए जुड़ना जरूरी है। इसके लिए मंत्री जी का मैं आभार करता हूँ। ये आई थिंक ऐसा बॉम्बे में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई शिक्षा मंत्री जी बॉम्बे आके यहाँ के भामा साहब को एजुकेशन के लिए मोटिवेट कर। के बाद हम सब आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच में थैंक यू। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, भगवान गणेश के आशीर्वाद से ताके साथ हम सब आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच में दिलावर जी जो शिक्षा और पंचायती राज देखते हैं प्रवासी राजस्थानियों के बीच में शिक्षा विभाग के लिए विभाग की तरफ से